हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से हुए हादसे में छत्तीसगढ़ के दो युवक की मौत हो गई। इस हादसे में कोरबा के अमोघ बापट और जांजगीर चांपा के सतीश कटकवार शामिल थे। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र निवासी अमोघ बापट 3 साल पहले ही भारतीय नौसेना में ज्वाइन किया था, वहीं सतीश एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। इस हादसे में 9 पर्यटकों की जान गई है, जिसमें 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और 1-1 महाराष्ट्र और दिल्ली के रहने वाले हैं। मृतकों और घायलों की पहचान के बाद किन्नौर प्रशासन ने संबंधित राज्य सरकारों को इसकी सूचना दे दी है। किन्नौर की सांगला घाटी में पुल टूटने के दुखद हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 2 लोग छत्तीसगढ़ के हैं। मृतकों में से 1 कोरबा में छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के अधिकारी के पुत्र अमोघ बापट हैं, दूसरे सतीश कटकवार हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन की ओर से मदद करने के निर्देश दिए हैं। रविवार की दोपहर पर्यटक ट्रेवलर गाड़ी में छितकुल से सांगला की ओर जा रहे थे। इसी बीच बटसेरी से कुंसा के पास पुल पर चट्टाने गिरने से पुल टूट गया और पर्यटकों की गाड़ी बसपा नदी में जा गिरी। हादसे के बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर बटसेरी गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए पीएम केयर फंड से दिए जाने की घोषणा की है। अमोघ का प्रमोशन 9 जुलाई को लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर हुआ था। अंडमान की पोस्टिंग मिली थी। छुट्टी पर वे 10 दिन पहले ही कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र के एसटीपीपी कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंचे थे, जहां से 18 जुलाई को वे हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए गए थे। एसपी भोजराम पटेल ने भी परिजन से बातचीत करके उनसे ढांढस बंधाया। दूसरे युवक जो इस हादसे में मारे गए सतीश चांपा जांजगीर के रहने वाले थे, उनके पिता एमएल कटकवार एचटीपीएस में कार्यरत थे, जो 5 साल पहले रिटायर हुए। सतीश का परिवार कुछ समय पहले ही जांजगीर चांपा गया था। सतीश एक निजी बैंक में काम कर रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई कोरबा में ही हुई। सतीश परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं। दोनों ही परिवार अब सैन्य मुख्यालय के संपर्क में हैं। दोनों युवकों के पार्थिव शरीर कोरबा लाए जाएंगे। हाँ, अभी मेरे को हिमाचल से फोन आया था कि अमोघ बापट जो अंडमान निकोबार में अधिकारी के नेवी में पदस्थ था, वो छुट्टी मनाने के लिए शिमला गए हुए थे, जहाँ पे लैंड फ्लाइट में उनकी डेथ हो गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मेरे को निर्देश दिए कि तत्काल जाओ उनके घर में और उनको सूचित करें। साहब का आदेश पाकर मैं तत्काल यहाँ पे आया और उनको परिजन का सूचना दिया और आगे प्रक्रिया की जा रही है। पहले यही उनके फादर पोस्टिंग थे, जो रिटायरमेंट होकर अभी अन्यथा जगह पर कहीं है। दोनों दोस्त थे, दोनों साथ में गए हुए थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।